अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे दोस्त जर्मनी के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि इस वक्त जर्मनी की वीज़ा रेशो कैसी है, आया कि हमें जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किस तरह की हमारी प्रोफाइल हो कि हम जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको जर्मनी के हवाले से ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब जर्मनी की वीज़ा रेशियो के हवाले से बात कर दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी की कौंसलेट कराची में भी मौजूद है, और इसी तरह जर्मनी जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। तो आप कराची के अंदर भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्त पंजाब से बिलोंग करते हैं, इसी तरह केपी के और इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, वो अपना वीज़ा जर्मन अम्बेसी इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो सिंध के रहायशी हैं और बलूचिस्तान के रहायशी हैं, वो अपना वीज़ा कराची कौंसलेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इस्लामाबाद अम्बेसी या कराची कौंसलेट में जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपसे इंटरव्यू भी लिया जाता है। जी हाँ, जर्मन जो है अम्बेसी या कौंसलेट आपसे इंटरव्यू भी लेते हैं, और फिर आपके इंटरव्यू लेने के बाद आप वहीं पे अपनी वीज़ा फ़ीस पे करते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। और वीज़ा फ़ीस तकरीबन इस वक्त 30,000 के अबाउट है, लगभग है। और अगर वीज़ा रेशियो की बात की जाए, तो आप अगर कराची के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कराची की जो वीज़ा रेशियो है वो इस्लामाबाद की निस्बत बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आपका बिज़नेस है और जेन्युइन बिज़नेस है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन 1.5 मिलियन या इससे अबव आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री तकरीबन कम से कम 6 कंट्रीज 7 कंट्रीज इतनी ट्रेवल हिस्ट्री है आपकी, तो फिर ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अगर आप इंटरव्यू भी अच्छा दे देते हैं तो फिर ये वीज़ा आपको मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री कम है, आपका बिज़नेस अच्छा नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दे सकते, तो फिर ये वीज़ा आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर इस्लामाबाद अम्बेसी की बात की जाए, तो इस्लामाबाद अम्बेसी की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ही बुरी जा रही है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री में पहले जर्मन वीज़ा आपको मिला है, या आपने ट्रेवल किया है, या आपके पास किसी और कंट्रीज़ के शंजन वीज़े हैं, तो फिर ये वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, तो फिर चांसेस है कि आपको ये वीज़ा मिल जाए। लेकिन उसमें भी आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आप पूरी तैयारी के साथ जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, और आप इंटरव्यू आपने अच्छा देना है, तब ये वीज़ा आपको मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू ठीक नहीं देते तो फिर भी ये वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, नॉर्मल कंट्रीज़ की आपकी 5-6 कंट्रीज़ की ट्रेवल हिस्ट्री है, और आपके बिज़नेस अच्छा नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर ये वीज़ा आपको इस्लामाबाद अम्बेसी में जर्मन जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।